दक्षिण मकोड़ा वैसे देख दिया लेने YouTube चैनल में आप लोग स्वागत करो मैं मित्रों आपने स्पेलिंग उच्चार अनेक और एविडेंस आप का बेटा पे लेने चाहिए तो क्या लाभ है स्पेलिंग का इरां एनो बीनो सीनो डीनो अनेक आज इस आप लोग क्यों करा रहे थे ईनो ई अनेक एफ नो बराबर तो ई वाई ई आई एकले आंखो अगर ना वीडियो पे मैं तुमने की पूछे कि आपने स्पेलिंग लग के एकले एकले पहलो पहलो अल्फाबेट आपने पहले बीस दिनों लग पाने और जी आपने बीचे बीस दिन ना लग पाने उच्चार वचन लाइन में लग पाने और फोन वचन लाइन में लग पाने बोल तू जवान माने लग तू जवान बोल मानो ई वाई ई आई एकले आंखो चल आप लिखिए ई अब आए छे जे बीजे बीस भी वो नीचे ने लिखी नडे छे या मैं नीचे ने लिखी नडा लिए लग पाल ई ई वाई ई आई एकले आंखो पाँच आपने बोल सु ई वाई ई आई एटले आंखो पची एप एप्पल फोन के अने डो इन आपने लिखा पची ई वाई ई आई एटले आई एटले आंख हमें ई पची सु हमें एप तो आपने कोई स्पेलिंग लिखानो छे एप नो एप मां आपने कोई स्पेलिंग लिखो छे फिश नो फिश एटले माछली बराबर तो आज ये भी जितने आपने फोन लाइन में लिखो चाहिए ये भी जितने आपने फोन लाइन में आंदोलन सु पहले वो एक और सु है एपिकल ए बीजो स्मॉल ए आई एस अने एच ए आई एस एच फिश इतने फिश इतने मांचली आपने फोर लाइन में बोलता आपने बोलता भी जाए मोटे बोलता भी जाए आपने उड़कता भी जाए पर खास करके आपने लखवा में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे करी ना आपने फोर लाइन की नोट में लखवा में भूल न पड़े तो फरी से आपने बोल सु ई वाई ई आई એટલે आंखो પછી ई वाई ई आई એટલે आंखो आज मैं स्पेलिंग બે વાર લખ્યો છે એવી રીતે તમારે નોટમાં પાંચ વાર લખવાનું એક સ્પેલિંગ કેટલી વાર લખવાનું પાંચ વાર પાંચ વાર સ્પેલિંગ લખવાનું પાંચ વાર ઉચ્ચાર લખવાનું અને પાંચ વાર અર્થ લખવાનું બરાબર પછી એફ આઈ એસ એચ ફિશ એટલે માછલી એફ આઈ એસ એચ ફિશ એટલે માછલી જે મેં આવી રીતે લખ્યું છે એવી રીતે કદાચ ને નોટમાં છ લાઈન નોટના પેજમાં છ લાઈન હોય કે આ પેજ તમે જુઓ આ નોટનું પેજ છે એમાં આવી એક લાઈન છે બે લાઈન છે ત્રણ લાઈન છે ચાર લાઈન છે પાંચ લાઈન છે છ લાઈન હોય તો છ વાર લખવાનું પણ નોટના એક પેજમાં આપણે મોટું જવાનું અને લખતું જવાનું બરાબર ઓછામાં ઓછો પાંચ વખત તો લખીને કાકો કરવાનું છે એટલે પાંચ વખત આ આઈનો સ્પેલિંગ થશે અને પાંચ વખત એકનો આઈ એટલે આ અને ફિશ એટલે માછલી તો બે સ્પેલિંગ લખવાના એટલે કે પાંચ વખત છે એટલે પાંચ ને પાંચ વીસ તેની દસ વખત થશે બરાબર થેન્ક યુ